नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डाल रहे हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सेना की गोलीबारी में एक उभरते क्रिकेटर समेत तीन की मौत। श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर हंदवाड़ा शहर में प्रदर्शन कर रही पथराव करने वाली भीड़ को तितर बितर करने के लिए सेना द्वारा की गई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक उदयमान क्रिकेटर नईम कादिर शामिल था। भीड़ सेना के कुछ जवानों द्वारा एक छात्र से कथित छेड़छाड़ के बाद प्रदर्शन कर रही थी। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि युवकों की हत्या में शामिल जवानों को कठोर सजा दी जाएगी। इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जिनका राज्य सरकार के शांति लाने के प्रयास पर नकारात्मक असर पड़ता है। सेना ने जांच का आदेश दे दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। गुड़गांव का नाम अब गुरुग्राम, मेवात का नाम नूह। हरियाणा की भाजपा सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत गुड़गांव और मेवात जिले का नाम बदलने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस निर्णय के मुताबिक गुड़गांव को अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाएगा, जबकि मेवात को नूह के नाम से जाना जाएगा। खट्टर सरकार ने मंगलवार को नामकरण करने का फैसला किया। इलाके के लोग लंबे समय से गुड़गांव जिले का नाम बदलकर गुरुग्राम रखने की मांग कर रहे थे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कई मंचों से गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि मेवात जिले का मुख्यालय नूह शहर है। इलाके के लोग और निर्वाचित प्रतिनिधि मेवात का नाम बदलकर नूह करने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस विधायक अजय राय को मिली जमानत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक अजय राय की जमानत याचिका मंजूर कर ली। हिंदू धार्मिक नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में प्रदर्शन के दौरान वाराणसी में हिंसा के सिलसिले में उन्हें पिछले साल अक्टूबर में जेल में भेज दिया गया था। न्यायमूर्ति राजेश दयाल खरे ने आदेश दिया कि राय को जमानत पर रिहा किया जाए, साथ ही उन्हें एक निजी बॉन्ड और दो समान राशि का स्थानीय मुचलका भरने को कहा गया। गौरतलब है कि उनके खिलाफ लगाए गए रासुका को हटाने के दो न्यायाधीशों के पीठ के 29 मार्च के फैसले के बाद यह आदेश आया है।